तो एक अंकल मिले जो भारत यात्रा करने निकले है, तो अंकल आपका घर कहाँ है? पटना बिहार। आप आपके साथ 26 जनवरी 2022 को पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण भारत पैदल यात्रा करने का प्रारंभ किया। अभी यह जो है हमारी मांगे हैं, व्यवस्था में परिवर्तन हो, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक युवाओं को 80% भागीदारी हो राजनीति में, सरकारी संसाधनों में 80% युवाओं की भागीदारी हो, और जो तीसरी बात है जो रोजगार नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिली है, उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए सुनिश्चित है। तो जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को उम्र सीमा तय निर्धारित है, उसी तरह राजनेताओं को उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए। जो राजनेताओं हमारे पेंशन लेते हैं असेंबली पार्लियामेंट के, एक जोर से बोलिएगा क्योंकि माइक्रोफोन में रहता है, जो असेंबली पार्लियामेंट जाते हैं वह दोहरी भत्ता वह बंद हो, वह भत्ता ना लें। इसके बाद ये जो हमारे देश में चुनाव होते हैं वह सरकारी खर्चे पर हो, ताकि गरीब गुरबा लोग सदन तक पहुंच सकें, और नशा मुक्त युवा भारत चाहिए। देश हित लोक हित में प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्रियों का चुनाव सीधे जनता के मतों द्वारा होना चाहिए, ताकि लोकसभा सदस्यगण या विधानसभा सदस्यगण अपने हित और लाभ के लिए दबाव बनाते हैं और उससे सरकार गिराने गिरने की बात हो, इसलिए डायरेक्ट जनता के मत द्वारा चुना जाना चाहिए। हमारा युवा जो भारत के हैं वह याचक नहीं बल्कि भारत का शासक बने। जिस दिन भारत का शासक बनेगा युवा वर्ग के लोग, उस दिन हमारा हिंदुस्तान का तस्वीर और तकदीर बदल जाएगा। आपका आवाज उन लोगों मेरा नाम चाहिए ना है? आपका जो आवाज है उन लोगों का मतलब हमारी आवाज तो पूरे भारत पैदल यात्रा कर रहे हैं लोग में जागृति लाने के लिए। अगर हम भी बाइक लेके दौड़ सकते हैं पूरा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पूरा घूमते हैं, आपको देखे ना हमें मतलब हम क्या कर रहे हैं सोच रहे, मतलब पैदल तो हम इतना दूर कैसे, आप मतलब पूरे भारत पर यात्रा करने जा रहे हैं। अभी कहाँ कहाँ जाएंगे? पूरे नॉर्थ हो गया है, सिर्फ खाली बचा हुआ मेघालय शिलोंग, जो कि हम वहाँ 18 तारीख के लगभग पहुँच रहे हैं। आपके साथ एक गाड़ी है, इसमें गाड़ी में खाना है, बिछावन है, कपड़ा वगैरह सभी कुछ रखा है। मैं देखा आगे चलते जी, तो अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे? अभी तो जहाँ शाम हो जाएगा वहीं रात्रि विश्राम करेंगे, कल सुबह फिर से फिर सुबह से निकल जाएंगे 6 बजे। आप कितने तारीख को निकले? 26 जनवरी 2022 को निकले। पटना के गाड़ी विजय कुमार मेरा नाम है। एड्रेस आपका बिहार का? बिहार में है ना? हाँ, पटना में आर कुमार रोड मछुआ टोली। और आपका ये जो ट्रिप कब खत्म होगा? ये जब तक पूरे भारत वर्ष भ्रमण नहीं होगा तब तक खत्म नहीं होगा। मतलब आप जो ऐसे घूम रहे हैं उसका जो मतलब खर्चा कहाँ से निकलता है? खर्चा स्वयं हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं, अपने अंदर से अपने खुद को। आपको कोई हेल्प चाहिए? कोई हेल्प नहीं चाहिए हमें, युवाओं को हेल्प चाहिए, अग्रणी भूमिका निभाए वही मेरी मांग है, और कुछ नहीं। ख्वाहिश मेरा अंतिम जीवन का चौथापन है युवाओं का। अभी एज कितना चल रहा है? अभी 67 मेरा एज है। मैं आपको देख के ना ठीक है, उम्र से कुछ नहीं होता है। मैं भी जो बाइक लेके घुमाओ, आपको देख के ना मतलब मैं क्या कर रही सोच रहा हूँ। मेन चीज है कि विचार युवा होना चाहिए। अगर कोई युवा घर में बैठे हुए और विचार वृद्ध वाला तो वृद्ध है, अगर आप वृद्ध हैं बूढ़े हैं और जवान विचार वाले हैं तो जवान है। विचार से जवान और बूढ़ा होता, उम्र का तकाजा नहीं रखता। मान उम्र कोई है ही नहीं, उम्र का कोई नहीं, कुछ नहीं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, कॉन्फिडेंस जिसको रहेगा वही दुनिया में कुछ कर सकेगा। ऐसे अगर हो हमारी देखिए मांगे ये हैं, इसको आप अच्छी कर लीजिए ताकि आप अपना ये देखिए इसको मैं फोटो मार के। तो जा अंकल अभी जाएंगे, अभी किधर जाएंगे अंकल? अभी शिलोंग जाएंगे। शिलोंग जाएंगे पैदल? हाँ, पैदल से जाना है ना, पूरे भारत पैदल जाना है। ठीक है अंकल, आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक, आपके साथ एक फोटो। ठीक, एक मिनट।